ये है डांग जिले के आहवा गांव में रहने वाली सरिता गायकवाड़, जो हर दिन मेलो दूर जाकर घड़ों में पानी भर के लाती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सरिता गायकवाड़ ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आपको बता दे कि सरिता वही है जिसने 2018 में एशियन गेम्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। 400 मीटर की दौड़ लगाकर देश के नाम गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सरिता आज अपने गांव में पानी की समस्या के चलते कई बार 1000 मीटर दूर जाती है। आपको बता दे कि सरिता के गांव में 100 इंच बारिश होने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। सरिता से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं। 10-12 साल पहले तो पानी के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि पानी समस्या के बारे में बता रही हूँ कि आज से 10 से 12 साल पहले बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर चिंचली गांव है, वहाँ पानी लेने को जाना पड़ता था। पर उसका वो समय और आज का देखा जाए तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि आज गांव में कम से कम 5 से 6 कुएँ हैं, तो वो कुएँ में से पानी लेते हैं, और उसके अलावा पाइप में पानी पुरोठा का वो भी आता है, पर उसमें क्या है कि वो टाइम पे आता है, तो वो टाइम पे हमको संग्रह करना चाहिए, भर लेना चाहिए, तो वो नहीं कर पाते हम, तो कुएं पे लेने को जाना पड़ता है, ऐसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली धावक सरिता गायकवाड़ कुछ दिनों पहले ही पोलैंड से लौटी है। पोलैंड में सरिता की ओलंपिक की तैयारियां चल रही थी। बहरहाल सरिता का ये मानना है कि घर और खेत का काम करना उन्हें पसंद है। मैं बचपन से वो काम, खेत का भी काम करती हूँ और पानी का भी बचपन से किया है, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे आज मतलब बोलते हैं कि कोई सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो ऐसा वैसा, पर मुझे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उसी हिसाब से रहती हूँ। सरिता गुजरात सरकार की बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने के लिए भी उनका चुनाव हुआ था। वह गुजरात राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक और फील्ड की प्रथम खिलाड़ी भी है। गुजरात तक के लिए रौनक जानी की रिपोर्ट।